सब्सक्राइब कीजिए गार्डनिंग लवर विद आकाश चैनल को और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाइए मेरी गार्डनिंग वीडियो सबसे पहले देखने के। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश। मैं आपको बहुत बहुत वेलकम करता हूं अपने गार्डनिंग लवर विद आकाश यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल लौकी लगी हुई है, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी हेल्दी ग्रो कर रही हैं। कुछ लौकियाँ आप देख सकते हैं इस तरफ काफ़ी अच्छे से बड़ी हो रही हैं, और कुछ लौकियाँ यहाँ पर जो हैं कि वो जो बड़ी होने के लिए काफ़ी तुरंत तैयार हैं। और बहुत सारी लौकियाँ और भी हैं इसमें, काफ़ी सारे फूल भी आ रहे हैं और ब्रांच काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए लौकी को प्लांट में किस तरह ग्रो करते हैं उसके ऊपर मैंने आप लोग के लिए वीडियो बनाया था। उसी वीडियो में मैंने आप लोग से कहा था जो फर्टिलाइज़र के ऊपर, तो मैंने आप लोग को बताया था कि मैं वर्मी कंपोस्ट और उसके साथ मैं मस्टर्ड के एक फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ अपनी लौकी में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र को हम लोग किस तरह बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और एक बार ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मैं आप लोगों का फोकस मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र के ऊपर ले जाना चाहूँगा। कि आप सभी देख रहे होंगे आप लोगों के सामने ये पॉलीथीन रखी, इसी में मस्टर्ड केक रखा हुआ है। ये देखिए, ये मस्टर्ड केक है, छोटे छोटे टुकड़े। आप किसी भी शॉप पे जाएंगे, जैसे जहाँ पर ऑयल, जब मस्टर्ड में से जो सीड्स आते हैं उनमें से ऑयल निकाल लिया जाता है, बाकी में ये जो खली खली बचती है इसी को मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र कहते हैं, इसी को मस्टर्ड केक कहते हैं। ये जानवरों को खिलाने के लिए यूज़ होता है, इसमें काफ़ी अच्छा नाइट्रोजन होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए हम लोग प्लांट में फर्टिलाइज़र एज ए फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये चाहिए हो तो आप किसी भी ऐसी जगह जाइएगा जहाँ पर जानवरों का चारा मिलता हो, वहाँ पर आपको ये बहुत ही ईजिली मिल जाएगी। गाय लोगों को खिलाया जाता है। तो चलिए फिर मैं आगे आप लोग को बताता हूँ कि इसके साथ हम लोगों को क्या करना है। तो इस तरह जब भी आप मस्टर्ड केक लेने जाएंगे शॉप में तो आपको इस तरह से मिलेगी वो, आपको घर ला के जैसे कि आप बनाना चाहते हैं 5 लीटर अगर मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं तो आपको 50 ग्राम मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र लेना है। ये मैं आप लोगों को गर्मी में, जब मैं आप लोग के लिए बता रहा हूँ, 50 ग्राम आप गर्मी में ले सकते हैं और 100 ग्राम के लगभग आप लोग ठंडी में 5 लीटर में डाल सकते हैं मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, क्योंकि गर्मी में नाइट्रोजन इसमें होता है, नाइट्रोजन थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए गर्मी में अगर प्लांट्स को ज़्यादा नाइट्रोजन मिल जाएगी तो आपके प्लांट्स ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम लोग गर्मी में थोड़ा इसको रेशियो थोड़ा कम लेते हैं और ठंडी में इसका रेशियो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए फिर मैं आगे आप लोग को बताता हूँ कि इसके साथ हम लोगों को क्या करना है। लगभग मैं इसमें 50 ग्राम के लगभग मैं मस्टर्ड के फर्टिलाइज़र ले लेता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने लगभग अंदाजे से मैं 50 ग्राम लूँगा, अगर आप तौल सकते हैं तो आप तौल के भी लें, नहीं तो आप अंदाजे से मस्टर्ड के फर्टिलाइज़र ले सकते हैं। तो इसको हम लोगों को एक खाली वेसल लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं खाली वेसल मतलब खाली पॉट लेना है, या आप कोई भी डिब्बा ले सकते हैं, उसमें हम लोगों को सर्च डाल के और इसको पानी में भिगो देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसको मैंने इसमें डाल दिया और इसको हम लोगों को पानी में भिगो देना है। इस तरह से हम लोगों को इसको पानी में भिगो के लगभग 3-4 दिन के लिए हम लोगों को इसको इसी तरह छोड़ देना है। ये एकदम अच्छी फुली डिकम्पोज हो जाएगा, एकदम पानी में डिजोल्व हो जाएगा और बाकी नीचे थोड़ा थोड़ा रह जाएगा। एकदम डिकम्पोज होने का मतलब इसमें ये है, जो इसमें नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है और नाइट्रोजन थोड़ा सा इसमें कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को इसको भिगो के 4-5 दिन के लिए रख देना है। तो उसके बाद क्या होता है, मैंने पहले से भिगो के रखा है, मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ उसके बाद क्या होगा। ये देखिए, इसमें मैंने इसको भिगो दिया था, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस डिब्बे में मैंने 50 ग्राम के लगभग मस्टर्ड के फर्टिलाइज़र भिगो दिया है और ये नीचे से बिल्कुल फुली डिकम्पोज हो गया, एकदम पाउडर फॉर्म में हो गया, नीचे नीचे बैठ गया जाके। जब स्टिक की मदद से आप इसको इस तरह चलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये इसका नीचे जो बैठा हुआ पार्ट था वो सारा उठ गया ऊपर। इस तरह से हम लोगों को इसको डिकम्पोज करा हुआ मस्टर्ड की जो फर्टिलाइज़र है, ये लगभग 1 लीटर मैंने पानी लिया था, अब इसको हम लोग, ये जो मिक्सचर है इसको हम लोग मिलाएंगे 5 लीटर के पानी में। इसका अब हम लोगों को कोई काम नहीं है, तो मैं 5 लीटर का डिब्बा ले लेता हूँ, फिर उसमें मैं इसको मिक्स कर दूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोगों को उसको अपने प्लांट में यूज़ करना है। तो इसको मिक्स कर देना है इसमें 5 लीटर के पानी में लगभग। इसमें ये देखिए मैंने इसमें पानी ले लिया है,
इसको इस तरह से मैं मिला दूंगा इसी में। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोगों का मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र पूरी तरह तैयार हो गया। बस आप इसे अब अपने प्लांट्स में दीजिए और आपका प्लांट एकदम अच्छे से फ्रूटिंग भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। आप इसको अपने सारे प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, खासकर उन पौधों में यूज़ कर सकते हैं। फलों और फूलों के सब्जियों वाले फूलों में काफ़ी अच्छे से ये इस्तेमाल करें और काफ़ी अच्छे से इसमें ये ग्रोथ देगा। तो चलिए फिर मैं आगे आप लोग को इसको डाल के दिखा देता हूँ किस तरह से हम लोगों को इसको डालना है। तो ये हम लोगों का पॉट है, इसमें इसी में मैं मस्टर्ड के फर्टिलाइज़र लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैंने बनाया है इसको मैं दे दूंगा। ये लगभग 250 ml का ग्लास है, इसमें मैं 1 से 1.5 लीटर फर्टिलाइज़र मैं दूंगा यही, इसको अच्छे से चलाने के बाद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लगभग मैंने इसमें 1 लीटर फर्टिलाइज़र दिया है, क्योंकि ये बड़ा पॉट है इसमें मैंने 1 लीटर फर्टिलाइज़र दिया। आप अपने 10 इंच के छोटे पॉट में सिर्फ 250 ml फर्टिलाइज़र दीजिएगा, उससे ज़्यादा ना दीजिएगा एक बार में। और ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप ये फर्टिलाइज़र दें तो आपके गमले में हमेशा मॉइस्चर होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो आप जब भी कोई भी फर्टिलाइज़र दें तो हमेशा जब भी ध्यान देने वाली हमेशा आपकी मिट्टी जो है वो मॉइस्चर होना चाहिए, एकदम ड्राई मिट्टी में कभी भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहा मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका, और उसको किस तरह डालना है ये भी मैंने आप लोगों को बताया, कितनी क्वांटिटी लेनी है ये भी बताया। तो फ्रेंड्स आप भी अपने प्लांट्स में अच्छे से मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र बना के डालिए और अपने प्लांट्स में अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करवाइए। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ किसी अनदर वीडियो के साथ किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर, कीप वॉचिंग माई वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय, टाटा।